आप देख रहे हैं आपका बाजार और मार्केट अभी भी बिल्कुल फ्लैट है, लेकिन बात कर लेते हैं अर्निंग्स की। टाइटन के नंबर्स पर बातचीत करने के लिए मिस्टर एस सुब्रमण्यम हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि CFO हैं टाइटन के। मिस्टर सुब्रमण्यम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू जी बिजनेस। सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस आपको स्ट्रांग नंबर्स पोस्ट करने के लिए। सवाल ये होगा कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये क्वार्टर ऐसा था जहां पर फेस्टिव ग्रोथ भी आई और डीमोनेटाइजेशन इम्पैक्ट भी आया, लेकिन क्वेश्चन ये रहेगा कि जो स्ट्रांग नंबर्स, स्ट्रांग परफॉर्मेंस आपने पोस्ट की है वो किस वजह से रही है? क्या फेस्टिव सीजन में ग्रोथ इतनी स्ट्रांग थी कि उन्होंने डीमोनेटाइजेशन इंपैक्ट को ओवरकम किया, या फिर डीमोनेटाइजेशन का उतना इंपैक्ट नहीं दिखा है? नहीं, आई थिंक इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। आई थिंक व्हाट यू सेड इज राइट, वी हैड अ वेरी गुड फेस्टिव सीजन। सो फेस्टिव सीजन में हमारा ग्रोथ ऑलमोस्ट 40% था फर्स्ट मंथ ऑफ अक्टूबर, सो दैट वॉज वेरी वेरी गुड। डीमोनेटाइजेशन के बाद ग्रोथ डेफिनेटली देयर वाज अ डिक्लाइन पोस्ट इमीडिएटली आफ्टर 8th ऑफ नवंबर, बट लेटर इट्स पिकिंग अप। And that's why we think we started gaining market share, because a lot of stores were closed. We started seeing good sales, decent sales, I would say. By end of December and now in January, I think we are back to almost normal. The effect of demonetization, if any, is now gone. So that's the good sign. And I think we recovered very quickly, and that's largely because we were in the organized. Most of our customers pay by credit card, cash was not such a big component, and schemes like Golden Harvest helped a lot during this phase. The cash was already paid in advance, so they could come and purchase their jewelry without having to worry about cash. राइट मिस्टर सुब्रमण्यम, खासतौर पर ज्वेलरी सेल्स की अगर बात करें तो फेस्टिव डिमांड या फिर वेडिंग सीजन का जो डिमांड रहा है उसकी वजह से सेल्स का कितना कंट्रीब्यूशन रहा है टॉप लाइन में? खाली ज्वेलरी सेगमेंट की अगर बात करें तो ज्वेलरी में ग्रोथ अबाउट 15% है, और वो एज यू मेंशनड फेस्टिव सीजन बहुत बहुत अच्छा था दिवाली तक, और उसके बाद स्ट्रॉन्ग वेडिंग सीजन भी था नवंबर, होल ऑफ नवंबर एंड टिल मिड दिसंबर वेडिंग सीजन वॉज स्ट्रॉन्ग। Did get impacted by demonetization, as I mentioned, but I think it overall it was the strong season which helped us get our customers back. जी, एक और सवाल मिस्टर सुब्रमण्यम आपसे। जैसे आपने कहा कि डीमोनेटाइजेशन का थोड़ा इम्पैक्ट दिखा था इनिशियली, लेकिन अब चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं, तो दो चीज़ें मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। पहला तो ये कि क्या क्वार्टर फोर ग्रोथ के लिहाज से नॉर्मल रहेगा, या फिर थोड़ा बहुत डीमोनेटाइजेशन ब्रूजेज हम देख सकते हैं? और दूसरा सवाल ये, अभी ज्वेलरी सेगमेंट की तो बात की मेरी सहयोगी ने, लेकिन वॉचेस सेगमेंट में परफॉर्मेंस कैसी रही है इस क्वार्टर में? हम तो वी डोंट गिव अ गाइडेंस इज सच, बट फ्रॉम व्हाट वी हैव सीन इन जनवरी इट लुक्स लाइक द क्वार्टर वुड बी अ नॉर्मल क्वार्टर। द इंपैक्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन इज पॉसिबली नॉट गोइंग टू बी मच इन दिस क्वार्टर एट ऑल, सो आई थिंक दैट्स अ गुड साइन। एज फार एज वॉचेज इज कंसर्न, आई थिंक वी हैड अ फेयरली गुड क्वार्टर लास्ट ईयर कंसिडरिंग लास्ट क्वार्टर कंसिडरिंग दैट द डीमोनेटाइजेशन वॉज फॉर मोर देन हाफ द क्वार्टर। Our retail sales, that is our World of Titan and Fast Track stores, Helios and large format stores, did quite well after demonetization also, because anybody who wanted to buy anything would come to large format stores to buy or organized players to buy. So I think that helped us. Where we got impacted was on the trade channel, which is the multi-brand outlet, the distribution part of our business. That's a largely cash business. So that there we got impacted, and I think that impact is not over as yet. Even now, it will take some time for remonetization to happen entirely to get that part back to normal. But otherwise, our own sales, our own retail sales, we've been doing quite well. जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर सुब्रमण्यम जी बिजनेस को अपना समय देने के लिए और नतीजों की बारीकियों पर बातचीत करने के लिए, साथ ही इंडस्ट्री आउटलुक पर भी बातचीत करने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर कमिंग क्वार्टर्स। चलिए इसी के साथ आपका बाजार को यहीं समेटने का वक्त हो चला है। बहुत बहुत शुक्रिया लोकेश आपका सभी सवालों को जवाब देने के लिए, और साथ ही मिस्टर सेठी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस एडिशन में हमारे साथ मौजूद रहने के लिए।